तुम्हारे शक्ल कोई इलाज नहीं, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी। जाते जाते मेरा मंगल सूत्र मुझे वापस कर जाओ। तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कितना सूना बने तुम्हारी आंखों में। प्यार के लिए तरस गई थी ना तुम। अच्छा एक बात तो बताओ, अभी की याद कब आ गई तुम्हें, दिन में या रात में? सच करवा होता है प्रज्ञा, और इसीलिए सच सुनते ही तुम्हारा हाथ उठ गया। सुना नहीं गया ना तुमसे? तनु, मैं किसी को कोई घर बर्बाद नहीं करना चाहती। बोलो मत, प्रूफ करके बताओ, प्रूफ करके बताओ कि आज तक अभी तुम्हारे दिल में अभी के लिए कोई जगह नहीं है। प्रूफ करके बताओ कि तुम अपने पति की बहुत ज्यादा इज्जत करती हो, अपने संस्कारों की इज्जत करती हो। प्रूफ करके बताओ कि अब तुम्हारे दिल में अभी के लिए कोई जगह नहीं है, वरना इस बार अपने सामने तुम्हें जलील किया है, नेक्स्ट टाइम ना पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी तुम्हें। अरे जल्दी से कटर लेके आओ, कहाँ रह गया? अरे कहाँ गया है वो लेने के लिए, और कितना टाइम लगेगा? सर 2 मिनट में आ जाएगा। एक्चुअली सर आप जिस मंगलसूत्र के बारे में बता रहे हैं ना, पुराने स्टाइल का मंगलसूत्र होता है और आज से 8-9 साल पहले बहुत चला था, और उसका हुक भी सर पुरानी टाइप का होता था जो बार बार कपड़ों में फंस जाता था, और उसे निकालने के लिए सर हमें हुक को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता था। सर उसी के लिए उस कटर की जरूरत पड़ती है, उसे लेने गया हुआ। बस 2 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। बोलो चैलेंज मंजूर है या नहीं? तुम्हें सब कुछ चैलेंज लगता है ना, रिश्तों नातों को तुम चैलेंज से जीतना चाहती हो। पहले भी वही करती थी, आज भी वही करती हो, कुछ भी नहीं बदला है तुमने। बदला ना, जगह बदल गई प्रज्ञा। आज मैं उस जगह हूं जहां पहले तुम कभी हुआ करती थी। आज मैं अभी की बीवी हूं और तुम उसकी लाइफ में दूसरी औरत जो मेरे पति को पाने के सपने देखती है। अब पता नहीं तुम सच में अभी को चाहती हो या फिर सिर्फ उसके पैसे चाहती हो। मुझे कभी पैसों की जरूरत नहीं थी। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती प्रज्ञा, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोगों को जरूरत होती, क्योंकि ना वो गरीबों की गिनती में आना चाहते और ना ही अमीरों की बराबरी कर सकते हैं। इसीलिए दिन रात यही मेहनत करते रहते हैं कि पैसे आए तो आए कहां से। तुम पहले भी अभी के सिर्फ पैसे चाहती थी और आज भी सिर्फ उसके पैसे चाहती हो। तनु, ना तो मुझे पैसों की कमी है ना ही उसकी चाहत। क्यों, टीचर साहिबा ने किसी प्रोफेसर से शादी कर ली क्या जो एक्स्ट्रा टाइम में कोचिंग क्लासेस लेता है? हाँ पैसे तो बहुत होंगे। किंग सिंह द रैपर, वो है मेरे हस्बैंड। ये किंग है भाई, जो होल एल्बम कर रहे हैं उनके साथ में ये भी सिंगर। वाओ, अनदर रिच मैन, मतलब अभी नहीं तो अभी जैसा ही सही। अब ये तो साबित हो गया कि तुम सिर्फ पैसे चाहती हो। तुम्हें कभी कोई आम आदमी क्यों नहीं मिलता प्रज्ञा? तुमने बहुत इल्जाम लगा लिया था, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। सुननी पड़ेगी, मैं सुनती थी ना जब तुम मुझे सुनाती थी। क्या क्या कहती थी कि अभी से मैं प्यार करती हूँ, अभी मेरा पति है, मेरा कुमकुम है। देखो ये तो सच है कि तुम यहाँ मेरे पति को पाने आई हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अभिषेक प्रेम मेहरा मेरे पति थे, अब नहीं है, और मैं किसी का पति उससे नहीं छीनना चाहती। तुम जितनी बार ये कहोगी ना, मैं उतनी बार तुम्हें चैलेंज करूंगी। साबित करो, प्रूफ करो कि तुम अपने पति के साथ खुश हो और मेरा पति मुझसे छीनने नहीं आई। साबित करो। कार नंबर 9396, यहां से कार हटा लीजिए, यहां पर प्रॉब्लम हो रही है।
Yes, my friend. वो गाड़ी मेरी है. सर वो गलत पार्क की है. दूसरे कस्टमर की कार उसकी वजह से नहीं निकल पा रही है. Oh. आप अपनी कार थोड़ी शिफ्ट कर लेंगे तो वो निकल जाएगी. Sure, no problem. शिफ्ट कर दो. Okay. सब कुछ बदल गया प्रज्ञा. वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन तुम नहीं बदली. तुम आज भी वही करने आई हो जो कई सालों पहले कर चुकी हो. ये प्रज्ञा से ऐसे क्यों बात कर रही? कार नंबर 9396, कृपया सिक्योरिटी में आकर मिलिए. ओके सर, बाय. ओके. व्हाट हैपेंड? सर हमें एक्चुअली हमारा वैली नहीं मिल रहा है और आपकी कार सर बहुत एक्सपेंसिव कार है. सर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पार्क कर पाऊंगा. सॉरी सर. इट्स ओके. रियली सॉरी सर. लीजिए सर, वो आ गया. कितना टाइम लगा दिया तुमने? सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई. इट्स ओके. लेट्स हरी अप, कम ऑन. बोलो, है चैलेंज मंजूर? तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ चैलेंज है तो फिर ठीक, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि मैं तुम आपने तनु से शादी कर ली. कांग्रेचुलेशंस. पता नहीं मेरे लिए ज्यादा मुश्किल क्या है, आपसे दूर रहना या तनु को आपके साथ देखना. प्रज्ञा, मैं आई नो. अभी तुमने क्यों रोका है? अभी ने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि ये मंगलसूत्र वापस चाहिए उसे. लेकिन ये तो अटका हुआ है, फिर इसे निकालेंगे कैसे? मैं निकालूंगा मैम. तुम अभी यू नो प्रज्ञा लड़की और किसी लड़के से मंगलसूत्र निकालवाना. मैं खुद निकाल दूंगी. ओके, ये मुझे दे दीजिए. थैंक यू. हंसना रोना तुझसे ही मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है. मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों की, लेकिन ये पूछने का हक मुझे है कि आपने तनु से क्यों शादी की. और कितना टाइम लगेगा? बस एक मिनट. आइंदा मंगलसूत्र का ध्यान रखा कीजिए. मैंने बताया था कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसी बातें सुना रही. और किस लिए? मैं दोबारा ऐसा ना करूं या मुझे हर्ट करने के लिए? प्रज्ञा दी,
रहे हो? अब ये भी बताना पड़ेगा, खुद के आंसू तो रुक नहीं रहे और मुझसे पूछ रहे हो कि आप दिल्ली में थे, एक ही शहर में, और मुझसे एक बार भी नहीं मिले। मुझे तो कल ही पता चला कि आप दिल्ली में, मुझसे भी रिश्ता तोड़ लिया आपने। पूरा फिर क्यों नहीं मिले? बस वो कि क्या हुआ ना कि दी लेना, ठीक है? गाड़ी में रखी है, मेरा बच्चा हमेशा गिरता रहता है ना, तो रखनी पड़ती है साथ में। बच्चा? बेटा वो बड़ा हो गया होगा। कितने साल का है? 7 साल का। बहुत प्यारा बच्चा है, पूरे घर में घूमता रहता है, भागता रहता है, और मुझे जब चाची चाची करके बुलाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वो आपको भी चाची बुलाएगा। अभी का रिश्ता बदला है आपसे। मेरा नहीं, आप आज भी मेरी बड़ी बहन है। और दिशा, दिशा भी तो आपको बड़ी बहन की तरह मानती है। वो आपको भी चाची बुलाएगा और पूरे दिल से। मैं अपॉइंटमेंट लेकर आती हूँ। खून रुक जाएगा। पूरा दिशा, दासियां, मेरा परिवार ही मेरी दुनिया थी, और आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, मुझसे दूर रखा, और मेरे परिवार से सबसे दूर थी तो जैसे तैसे जी रही थी, पर अब सबसे मिलके कैसे जीऊंगी? नहीं नहीं, तुझे आना ही पड़ेगा। देख, इस बार ना तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला है। अरे घर में पार्टी है यार। हाँ, तुम्हें पूरब की वाइफ की शक्ल ही याद नहीं है? मन तो कर रहा है सारी डेकोरेशन अपने हाथों से निकाल दूं, पर लाइफ में फर्स्ट टाइम तनु ने कुछ अच्छा काम किया है। अब हम दोनों में से किसी को तो फैमिली के साथ अच्छा रहना पड़ेगा। अरे उसका नाम देशा है, और वो इतनी सुंदर है ना कि एक बार अगर उसे कोई देख लेना तो उसे भूल ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो तो मेरी ननंद है आलिया, और वो पूरब की वाइफ नहीं है। मैंने बताया ना, पूरब की वाइफ तो दिशा है। तुझे याद है वो उस दिन येलो कलर का सूट पहनी थी, खुले हुए लंबे से बाल थे उसके, प्यारी सी, सुंदर सी। अरे जब हंसती है ना तो बहुत क्यूट लगती है, मेरी तो फेवरेट है वो। हाँ,
आलिया, अरे उसके तो इतने नखरे हैं ना। वो बात पूरी कीजिए। ऐसी कोई खास बात तो नहीं थी ना? जो भी बात थी खत्म करिए। पार्टी में आ जाना। ओके बाय। हो गई। मुझे आपकी पूरी बात सुननी। क्या कह रही थी आप? आलिया के इतने नखरे हैं कि आगे क्या बोलने वाली थी आप? अब तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम बिना सुने ही समझ लो ना। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी समझदार तो तुम पहले से ही हो। आई विश आप समझदार होती तो मुझे आपको कुछ कहने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप है तो नहीं, इसलिए कह देती हूँ। डोंट मेस विद मी। आप जानती हैं कि आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले। इसलिए अगली बार बोलने से पहले एक बार सोच लेना। क्योंकि क्या है ना मिताली भाभी, आपको मेरी जरूरत है। यू नीड मी। और ये मैं क्यों बोल रही हूं ये समझाने की जरूरत तो मुझे नहीं आया। मिताली, उसकी बात को दिल पे मत लगा, ना ही उसकी कोई बात सुन तू। आज के दिन उसने अपना प्यार खोया था। मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ, इसलिए मैं खुद भी आज उसके मुंह नहीं लगूंगी। मिताली, मुझे उसके प्यार से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। परेशानी अगर मुझे है तो उसकी सोच से, जिसने उसके प्यार को उसका जुनून और उसकी जिद बना दिया। उसकी जिद पूरी नहीं हुई तो उसकी सजा हम सबको थोड़ी थोड़ी भुगतनी पड़ी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू और सनी दोनों मेरे लिए बच्चे जैसे हो। तुम्हें और सनी में कोई फर्क ही नहीं समझती मैं। और हर बार मैं ही क्यों दादी? अरे मिस्टर सिंह, मैं मिसेस तनु मेहरा, अभिषेक मेहरा की वाइफ। हाय। हेलो। हाय। आपकी और हमारी मुलाकात पहले ही हो जाती अगर मिस्टर अभिषेक आपको मेरी पार्टी पर ले आते। या राइट, इन्होंने मुझे बताया था कि आपने इनवाइट किया है, पर सॉरी मैं आ नहीं पाई थी। आई एम रियली हैप्पी कि हम सब ऐसे मिल रहे हैं। ये तनु किंग से मिलकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? यू नो, मैं जब से प्रज्ञा से बात कर रही हूँ सिर्फ आप ही की तारीफ की जा रही है। आपकी बहुत इज्जत करती है, आपके काम को अप्रिशिएट करती है, एंड आई होप आपसे प्यार भी बहुत करती है। हालांकि इसने मुझे बताया नहीं और बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पति के लिए प्यार तो पत्नी की आंखों में ही दिखता है ना? You know, for me, आप दोनों दिल्ली के बेस्ट कपल हो। आई मीन, आप दोनों बहुत लकी हो। आपको प्रज्ञा जैसी बीवी मिली और प्रज्ञा को आप जैसे पति मिले। आप उनके बारे में बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ना मेरा साथ वो किया जो आपको करना चाहिए था। आपको मैंने कितनी बार कहा है, आप यूं झूठा मत बोला कीजिए कि मैं बीवी आपकी। प्रज्ञा किसी के सामने तो खुद को मेरी वाइफ कहलाने से पसंद नहीं करती, फिर तन्नू के सामने एज अ वाइफ इतनी बातें करना। इंटरेस्टिंग। अरे मिस्टर सिंह, आप तो मेरी बातों से ऐसे खो गए जैसे मैं प्रज्ञा की बातों से खो गई थी। यू नो, पर सच में मैंने आज तक किसी पत्नी को नहीं देखा जो अपने पति की इतनी तारीफ करती हो। सच में थोड़ी देर के लिए तो मैं भी जेलस फील कर रही थी। तनु, मैं बिलिंग काउंटर पे जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं आई फॉरगॉट। आज हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी है, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। पूरब और दिशा की मैरिज एनिवर्सरी, उसी खुशी में एक छोटा सा फंक्शन रखा है, सो प्लीज जरूर आइएगा। आई नो मैं तो नहीं आ पाई, लेकिन आपको पक्का आना है अपनी वाइफ के साथ।
प्रज्ञा ने हाँ कर दी है। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें चैलेंज मंजूर है।